गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकुर कांडपाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज साइज सेपरेशन इन फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा साइज सेपरेशन क्या होता है। तो साइज सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या है अपने किसी भी मिक्सचर से अपने वेरियस टाइप के जो साइज के पार्टिकल्स होंगे उनको सेपरेट आउट करना है। तो वो हमारी क्या है, साइज सेपरेशन टेक्निक है। तो साइज सेपरेशन जो टेक्निक हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो सीविंग से कर सकते हैं, सिफ्टिंग से कर सकते हैं, स्क्रीनिंग से कर सकते हैं। तो जो ये हमारी साइज सेपरेशन की टेक्निक होती है, क्या पार्टिकल के साइज शेप और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अब बात कर लेते हैं हम यूजेज ऑफ साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल के प्रोडक्शन में क्या है मेन इंपॉर्टेंट रोल है साइज सेपरेशन का। तो हम क्या है उनके प्रोडक्शन के लिए हम पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन को मेन फैक्टर में देखेंगे। इट इज़ ए क्वालिटी कंट्रोल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा हमारा किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, तो उसका भी एक क्वालिटी कंट्रोल टूल की तरह हमारा साइज सेपरेशन है। नेक्स्ट, टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस कंडीशन सच एज मेथड ऑफ एजिटेशन, टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, फीड रेट, ETC। तो इन सबको क्या है ऑप्टिमाइज करने के लिए भी साइज सेपरेशन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। तो जो भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे हमारे उनकी एफिशिएंसी को भी मेजर करने के लिए साइज सेपरेशन यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सीव देख रहे हैं, तो जो सिंपल मेथड है साइज सेपरेशन का, तो इसमें सिंपली क्या है अपना क्या मिक्सचर डालेंगे और उसको पास आउट करेंगे तो हमारा साइज सेपरेशन हो जाएगा पार्टिकल। तो बात कर लेते हैं सीव। सीव हमारा क्या है, सिंपली एक क्या है फ्रेम है जिसमें हमारा क्या है वायर और प्लास्टिक का मैश लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से क्या है हम किसी भी पार्टिकल्स को छान रहे हैं, सिंपली साइज के अकॉर्डिंग क्या सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो हमारा किस किस तरीके का हो सकता है, हमारा वूवन हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, ब्रॉन्ज का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। तो ये हमारे क्या सीव इस टाइप्स के हो सकते हैं जो किस काम आते हैं, साइज सेपरेशन के काम आते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है नंबर ऑफ सीव। तो नंबर ऑफ सीव क्या है हमारा, सिंपली पर स्क्वायर इंच में जो क्या है ओपनिंग्स है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स है, वो हमारा क्या है सीव नंबर है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉमिनल साइज ऑफ अपरेचर, तो डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर अपरेचर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर। तो क्या है इसमें मेड ऑफ द सूटेबल डायमीटर इन ऑर्डर टू गिव ए सूटेबल अपरेचर एंड सफिशियंट लेंथ। नेक्स्ट हमारा अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, द एरिया ऑफ द मैसेज एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव, जनरली द सीविंग एरिया इज कैप्ड विद द रेंज ऑफ 35-40% इन ऑर्डर टू गिव सूटेबल स्ट्रेंथ टू द सीव। नेक्स्ट हमारा टॉलरेंस एवरेज अपरेचर साइज, तो फाइन सीव कैन नॉट बी वोवन विद सेम एक्यूरेसी। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड्स ऑफ पाउडर। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो हमारी पाउडर की ग्रेड है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा कोरस पाउडर, सेकंड आता है मॉडरेटली कोरस पाउडर, थर्ड आता है मॉडरेटली फाइन पाउडर, फोर्थ आता है फाइन पाउडर और फिफ्थ आता है वेरी फाइन पाउडर। तो हमारे इस ये 5 टाइप्स के जो क्या है पाउडर्स हैं जो क्या है इंडियन फार्माकोपिया ने ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग किए हुए हैं। तो हमारा क्या है ये सिंपली मैश साइज जो हमारी होती है उसके उस पर डिपेंड करता है कि हमारा पाउडर कैसा है। तो अब हम बात कर लेते हैं साइज सेपरेशन मेथड्स की। तो हमारे 4 टाइप्स के साइज सेपरेशन मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारा था सीविंग मेथड, सेकंड है साइक्लोन सेपरेटर, थर्ड है एयर सेपरेटर और फोर्थ है इल्यूट्रेशन मेथड। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सीविंग मेथड की। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, सीविंग ही है। तो एक हमारा क्या है इसका जो मैकेनिकल वर्किंग क्या है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले एजिटेशन मेथड है, ब्रशिंग है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल है। तो सबसे पहले एजिटेशन में आते हैं हम। एजिटेशन में हमारी 3 मैकेनिज्म वर्क करती हैं। सबसे पहले आता है ऑसिलेशन, सेकंड है वाइब्रेशन और थर्ड है हमारा गायरेशन। तो ऑसिलेशन आपने देखा होगा बैक एंड फोर्थ प्रोसेस होती है इसमें। वाइब्रेशन में क्या है रैपिड वाइब्रेशन है और गायरेशन में क्या है रोटेटरी मूवमेंट है। तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन और गायरेशन, ऑसिलेशन मीन्स दोलन गति, वाइब्रेशन मीन्स कंपन और गायरेशन रोटेटरी मूवमेंट। तो नेक्स्ट हमारा आता है ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग मेथड में क्या है ये देखिए अब इमेज के थ्रू आपको क्लियर हो रहा हो किस तरीके से वो पार्टिकल सेपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, तो ये भी हमारी साइज सेपरेशन की टेक्निक। तो हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जो हमारा आता है साइक्लोन सेपरेटर। तो साइक्लोन सेपरेटर हमारा एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर बेस होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से की हेल्प से क्या होगा जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा फ्लूइड से अलग हो जाएगा।
तो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो हमारा ये वाला प्रोसेस होता है, ये हमारा पार्टिकल साइज पर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन क्या पार्टिकल डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे कोरस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो फाइन हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं ऊपर की तरफ से, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी वर्किंग की। तो आप जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है हमारा क्या साइक्लोन सेपरेटर का इमेज कैसा है, तो इसमें क्या टेंजेंशियली हम क्या अपना जो भी हमारा फ्लूड मिक्सचर है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे हाई वेलोसिटी के साथ, तो उसमें क्या होगा, एक फ्लो जनरेट होगा जो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो उससे क्या हो, हमारा जो भी हमारा कोरस पार्टिकल है वो क्या होगा, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल एपरेटस का जो हमारा वॉल है उसकी तरफ क्या है, वो वॉल पे चिपक जाएगा जो भी सॉलिड पार्टिकल होगा, और क्या कोनिकल बेस से नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हमारा कोनिकल बेस से जो हमें क्या है नीचे सॉलिड पार्टिकल मिल जाएगा जो हैवी होगा, और जो हमारा क्या है फाइन पार्टिकल होगा जो फ्लूड के साथ वो ऊपर की तरफ से बाहर आएगा। तो इस प्रकार क्या है कि हम अपने फाइन पार्टिकल को कोरस पार्टिकल से अलग कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एयर सेपरेटर की। तो पहला हमने पढ़ा सीव मेथड, दूसरा पढ़ा हमने साइक्लोन सेपरेटर, और तीसरा हमारा एयर सेपरेटर। तो इसका प्रिंसिपल, एयर सेपरेटर का प्रिंसिपल सेम किसकी तरह, साइक्लोन सेपरेटर की तरह, लेकिन इसमें क्या है, जो हमें एयर मूवमेंट होगा वो किससे प्राप्त होगा, रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड से। तो जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट होगा तो इसमें क्या होगा, हमारा एक ब्लेड और डिस्क होगी जो रोटेट करेगी और वो क्या एयर मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। तो उसके हेल्प से क्या है, जो भी हमारा सॉलिड और फाइन पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल इसका मैंने आपको बता दिया कि क्या है, एयर मूवमेंट किससे हमें मिलेगा, रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड से मिलेगा। वर्किंग क्या है इसमें कि हम अपना जो भी पाउडर है, जो भी हमारा मिक्सचर है, उसे क्या करेंगे, हम उसमें फिल करेंगे और क्या करेंगे, जो डिस्क और ब्लेड का मूवमेंट स्टार्ट करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो एयर फ्लो रोटेटिंग डिस्क क्या करेगी, एक एयर फ्लो प्रोड्यूस करेगी, और क्या होगा हमारा जो साइज होगा उसका पार्टिकल्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, और क्या होगा उससे जो ब्लेड से हमारा क्या होगा पार्टिकल रिड्यूस हो जाएगा, और जो हमारे कोरस पार्टिकल होंगे वो सॉलिड जो होंगे हमारे क्या होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, और फाइन वाले जो हमारे वो अलग हमें मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इल्यूट्रेशन मेथड की। तो इल्यूट्रेशन मेथड हमारा सिंपली क्या है, इसमें जो साइज सेपरेशन हो जाएगा किसी पाउडर का, तो किसके बेस पे होगा, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के आधार पर। तो इसमें सिंपली क्या है, हम जो इल्यूट्रेशन टैंक होगा उसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमारा पाउडर होगा उसको क्या करेंगे, हम लेविगेशन प्रोसेस करेंगे। लेविगेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, वेट ग्राइंडिंग होता है। जो भी हमारा मटेरियल होता है उसे हम क्या है वाटर में मिलाते हैं और क्या पेस्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको पेस्ट को क्या होगा हम ग्राइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोटर पेसल। तो उससे क्या होगा, हमारा एक पेस्ट टाइप बन जाएगा, लेविगेशन प्रोसेस होगी। उससे क्या है, हम जो भी हमारा जो मटेरियल पेस्ट बनेगा उसे हम एक इल्यूट्रेशन टैंक में डालेंगे। टैंक में डालने के बाद क्या होगा, वो सस्पेंडेड हो जाएगा पूरे टैंक में, और थोड़ी देर तक हम उसे क्या है सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे। तो जो भी हमारा कोरस पार्टिकल होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा ड्यू टू हाई डेंसिटी, और सिंपल जो हमारा फाइन पार्टिकल होगा वो क्या होगा, सस्पेंडेड ऊपर ही रहेगा। तो इससे क्या है, हम अपना कोरस पार्टिकल और फाइन पार्टिकल्स को हम क्या डेंसिटी के बेस पे क्या है पूरा हम अलग कर सकते हैं।